आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत त्योहारों का देश है, यहाँ तक कई अन्य प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक त्यौहार है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन वह त्यौहार है जो कि भाई और बहन के प्रेम को दर्शाता है। जी हाँ, रक्षाबंधन वह त्यौहार है जो भाई और बहन के प्रेम को दर्शाता है। प्राचीन समय की बात है, जब प्रभु श्री कृष्ण पिंगली युद्ध के दौरान घायल हो गई थी तो माता श्री द्रौपदी ने अपनी साड़ी का चीर उनकी मुंडी में बांधा था और उसी का कर्ज छुपाने हेतु प्रभु श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी हरण के समय उनकी सहायता की थी। उसी समय से यह त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत में ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों में भी मनाया जाता है। यह त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं एवं सभी भाई अपनी बहनों की सारे जीवन अच्छा करने के बाधा देते हैं। यह अवसर बहुत ही खुशहाल होता है एवं यह अवसर बहुत दिनों बाद आता है। पूरे वर्ष में यह अवसर एक ही बार आता है, इसीलिए हम सभी भाई बहन इसे बड़े ही प्रेम से मिलजुल कर मनाते हैं। इसीलिए मैं अपनी बहनों के लिए दो लाइन्स कहना चाहूँगा। बहनें चाहे कितनी भी दूर हो कोई गम नहीं होता, बहनें चाहे कितनी भी दूर हो कोई गम नहीं होता, बहनों का प्रेम किसी दुआ से कम नहीं होता, बहनों का प्रेम किसी दुआ से कम नहीं होता। लोग कहते हैं कि दूरियों से रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, लेकिन भाई और बहन का प्रेम कभी कम नहीं होता। धन्यवाद।